बानी पीजी जो कह रहे ने उस विच गलत भी की है। पुखराज नू बीजी ने पालिया देख किन्ना समझदार है। प्रीत प्रीत भी किन्नी सियाणी ते कल्चर कुड़ी है। सिर्फ ते सिर्फ बीजी दे दिते हुए संस्कारा करके मेहर दी जिम्मेवारी तू लई सी ना की सिखाया तू नू। बाणी तू मन चाहे ना मन मेहर अज जो भी है ना सिर्फ ते सिर्फ तेरे ते तेरी दिती ढिल दा नतीजा है। आस खाया तो उन्हों क्यों घर दे विच वड्डियां दी बेइज्जती करे। आने तेरे संस्कार आए तेरी परवरिश। बानी मेहर नू दस दई कि कल प्रीत दी मंगनी है। इस परिवार दा हिस्सा होने दे नाते उन्हों कल इस फंक्शन विच शामिल होना पैना है। वह भी बिना किसी तमाशे या ड्रामे दे समझा दई उन्हों। जी जी बीजी शांत हो गुरबख्श बैठ। लगता है मेरी साड़ सती हुन एना ते चढ़ गई। मैं कॉल करा कि ना करा कि इस टाइम कॉल करना सही रहूगा। पर मैं रह भी नहीं सकती ना कल किते बिना। करके देखती हूं। लवली हाँ जी बीजी इस वक्त किदा फोन है। बीजी पता नहीं अननोन नंबर है खटिया गया। मैं हुने आनी है बीजी। हाँ बेटे हेलो। हाँ हरमीत हूँ बोल। मैं थोड़ा बिजी सी इसलिए फोन नहीं चुक सकी थी। ओ अच्छा ताही मैं सोचा कि तो फोन क्यों नहीं मिलता पिया। ले दस मैनू की पता सी कि सैम इंडिया आ रही है। हाँ वो तो है फ्लाइट दे विच तो फोन बंद ही रखना पैंदा है। बट यू नो लवली तो अपनी मर्जी ही कर दी है। मैं नहीं करती फोन फोन बंद। चल चंगे टाइम इंडिया आ रही है कल प्रीत दे मंगने च वह भी शामिल हो जूगी। वैसे भी मैं सैम तो बहुत जरूरी काम कराना है। ओहो उन्हें पुखराज का दिल भी तो जीतना है। मैं चाहनी हाँ कि सैम साडे घर की नूरानी बने। हाँ चल हरनीत हुन मैं फोन रख दी हां। की है ना कि कल प्रीत दे मंगने दी बहुत सारियां तैयारियां पई हैं। हाँ चल ठीक है चंगा बाय। सैम इंडिया आ रही है। लवली आही मौका है पुखराज नूं अपने वश च करन दा। अमृत आया जी आया। अमृत गड्डी च समान पिया प्लीज ले आओ। पुत्र गल सुन। हाँ जी कैटरिंग वाले नाल गल हो गई सी। जी एक गल दा खास ध्यान रखी कैटरिंग वाला आपां नूं नंबर वन चाहिए है जिन्हों पंजाबियां दे असल स्वाद दा पता होवे। जेड़ा भी खाना खावे ना उंगलां ही चटदा रह जाए बस है। देखी पुखराज किसे काम च कोई कसर नहीं छड्डनी आपां। टेंशन नाल बापा जी मैं सारे दे सारे अरेंजमेंट करते हैं। पुखराज ओहो बुटीक तो ना मेरा सूट लेके आना जल्दी विच सीनू दिता सी। तुसी टेंशन ना लो मम्मी जी मैं देखता। ओके
प्रीत पुखराज सारे अरेंजमेंट्स प्रॉपर ने ना ब्रो ओ, पता की है यार यार आगे मेरी नक ना कट जाए तू समझ रहे है ना मैं की कह रहा मैं सब समझ रहा सारे अरेंजमेंट ना इंपोर्टेड है लेकिन वो उन्ना ले है तेरे ले नहीं सुन साड़ी भैन का मंगना है तो मैं कोई भी स्यापा नहीं चाहिए Are you fickle not bro? I'm him. यारा नाल बारा हुई है जे एक दिन ऊपर थल्ले हो ही गया इससे साफ़े वाली गलती होगी हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी लवली बोल रही हैं तुसी कौन हाँ जी कैंसल कैंसल का की मतलब होया ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁਖਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਕਲੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪੁਖਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਲਵਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ पता नहीं की हो गया डरन वाली गल तो हैगी है ना पुखराज हुन एने खास मौके ते मेरी प्रीत तैयार किदा होगी आंटी जी मैं है ना जलंधर दा बेस्ट सलून वाला मेरा दोस्त है उन्हें फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेना और वैसे प्रीत नु मैं खुद ही ले जाऊंगा ना की टेंशन है हाँ ये ठीक रहेगा नहीं नहीं पुखराज मेरे सलून जाने की लोड़ है मैं करे तैयार हो जाऊंगी तेरा दिमाग ठीक है एने खास मौके ते तू करके तैयार होना जदो पुखराज कह रहे है कि वो बढ़िया सलून च तेनू लेके जाएगा फिर तू कर का दे वास्ते तैयार होना ओ मम्मी जी ओ ना अमरीक जी भी यही चाहते ने अमरीक जी एंड ऑल देख रहे हो तुसी बीजी हैं आए हाय किन्नी खुश है मेरी बच्ची एनु किसे दी नजर ना लग जे प्लीज पापा जी अ छोटिया मोटिया गड़बड़ा तो ठीक है कोई एहो जा स्यापा ना हो जे जिदे करके मेरी प्रीत दे रिश्ते दे विच कोई भी प्रॉब्लम आवे बाबा जी असनी माणी दी लाज रख लियो जिहड़ी गल मैं उन्हां लोकां तों लुकोई है ना बाबा जी ओ गल उन्हां लोकां नूं कदी पता नहीं लगनी चाहीदी प्लीज बाबा जी संभाल लियो अमरीक दे परिवार नूं इस खानदान दे बीते अतीत बारे ना कदी कुछ पता नहीं लगना चाहीदा उस कलमोही गुरलीन दा साया ना मेरी प्रीत दी खुशियां ते नहीं पैना चाहीदा बाबा जी बस बाबा जी अज नो पंगा नो स्यापा प्लीज बाबा जी मेर करियो बाबा जी प्लीज प्लीज बाबा जी प्लीज ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ
फिर इंडिया दी खुशबू। मॉम फाइनली मैं इंडिया पहुंच गई। चल मैं तो भूल ही गई मैनू मॉम ने की किया सी। सैम सब तो पहला मेरे देश की उस धरती नू मत्था टेक जिथे साडियां जड़ां जुड़िया होईयां ने जिस दी मिट्टी दी खुशबू साडे तन मन विच वसी हुई है जो साडा मान आ साडी पहचान उस धरती नू मत्था टेकी सैम। तंदा ने जुड़िया माए तेरे नाम मेरियां खुशियां सब नाल तेरे मंगदी मैं जेड़ियां जन्नत तेरे पैरां विच सानू तो भूली गई कि प्रीत दी एंगेजमेंट है और मैं उन्होंने कोई गिफ्ट ही नहीं खरीदया पर मैं गिफ्ट खरीदने की लोड़ है। अरे वो तो इतना बड़ा गिफ्ट जा रहा दी लई मेरे तो बड़ा सरप्राइज की होएगा दी लई। यस मैं ना कैब बुक करती है सब तो पहला तो मैं जलंधर दी कैब बुक करा डन टाइम हुण तेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं। बस एक बारी सैम आ जाए फिर प्रीत ते अमरीक दे व्याह दे नाल नाल ना मैं पुखराज दियां भी लावां पढ़ा देनी है। आखिरकार बाणी दी किन्ने साल तो यही तो इच्छा सी कि वो अपने पुखराज लई फॉरनर वटी लेके आवे। मैं तो एक तरीके नाल उहदी हेल्प ही कर रही हां। आखिरकार सार सती उतर रही है मैं तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा मॉम का सपना हकीकत विच पूरा होन जा रहा है। बस सैम छेती छेती आ जा मेरे तो होर वेट नहीं हो रहा। मेरे तो भी वेट नहीं हो रहा हूँ मैनू भी जल्दी है उस घर विच जान दी जिथे मेरी मॉम दे साह बसदे ने जिथे उना दी बीजी रहंदे ने। मैं आ रही हूँ बीजी आई एम कमिंग। अचानक इन्नी तेज हनेरी रब खैर करे। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੋਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੋਹਾਂ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੋ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਓਹੋ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ मैं सैम दा पूरा ध्यान रखांगी। हाँ हाँ ओदी फ्लाइट तक कदों दी दिल्ली लैंड कर गई है हुन ता हो कनेक्टिंग फ्लाइट नाल चंडीगढ़ लैंड कर गई होनी। तू प्लीज किसे नु ओनु लैंड भेज दे कोई ओनु लैंड ता जाई सकदा है ना कि नहीं। तेनू ता पता है आजकल दे जवाका दा कोई भरोसा नहीं है कदों किधर नु तुर पैण हर सेकंड इनां दे मूड चेंज हो जांदे ने ते नवे प्लान बन जांदे ने। ओहो हनी तू सैम दी बिल्कुल भी फिकर ना कर ओहदा मूड चेंज होए ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਜਸਟ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਯੈਲੋ ਫਲਾਵਰਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਈਟ ਔਰ ਪਿੰਕ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਮਝੇ। चलो छेती छेती लाओ।
पुखराज पुत्र। हाँ जी। तो सच्ची बहुत चंगा भरा है, इन्ना तो कोई सक्का भरा नहीं करता जिन्ना तू प्रीत दा करता है। हावे तू प्रीत दा सक्का भरा नहीं, पर सक्या तो भी घट नहीं है तू। अच्छा पुखराज पुत्र, तू सारे दा इन्ना काम करता है, एक अपनी आंटी दा भी काम कर दे। जी जी दसो की काम है। एक्चुअली तू रह नहीं दे पुत्र, तुम तो इतने बथेरे काम है, मैं आप ही कर लांगी। आंटी जी हुक्म करो ना। पुत्र तो तेरे नाल बहुत जरूरी काम है, तू करेगा ना? जी आंटी। एक्चुअली पुत्र मेरी फ्रेंड की बेटी अब्रॉड तो आ रही है, तू ओनू एयरपोर्ट तो लेन जाना, तू जाएगा ना पुत्र? आंटी जी अब्रॉड तो तुहानू पता है ना बीजी नू फॉरनर बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो आंटी जी अगर बीजी नू पता लग गया ना उन्हें बहुत नाराज हो जाना है। बड़ी मुश्किल ना ना बीजी दे चेहरे ते स्माइल आई है कि तो तुहाडे फॉरनर गेस्ट दे चक्कर च उन्हां दी मूंह दी स्माइल। पुखराज पुत्र किन्ने क्यों फॉरनर है, वो फॉरन तो आ जरूर रही है पुत्र, पर है 100% इंडियन, एकदम देसी कुड़ी। आंटी जी वो जो भी होए बीजी कहंदे ने कदे भी ना हाफ फॉरनर ना फुल इंडियन नहीं बन सकते, वो ना इधर दे होंदे है ना उधर दे। ठीक है जो चीज बीजी नूं पसंद नहीं ना वो मैनूं पसंद नहीं है, और बड़ी मुश्किल नाल ना बीजी ने ना स्माइल कीती है। हुण तुसीं उन्हां दा खराब ना करो ते तुसीं ना उन्हां नूं मना कर दो। मना कर दा? एदा किदा मना कर दा पुत्तर, मैं अपनी फ्रेंड नूं जुबान दे चुकी हाँ कि ओदी धी दी जिम्मेवारी हुण मेरी जिम्मेवारी है, ते मैं उन्हूं कहा तू ओदी बिलकुल फिक्र ना कर, ते मैं अपनी जुबान तो किदा मुकर जा, ते वालिया खानदान दी जुबान दी की इज्जत रह जाऊगी पुत्तर। कुछ दिनां दी गल है पुत्तर, नाले वो बहुत संस्कारी कुड़ी है, बीजी या घर दे किसे मेंबर नूं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। पुत्तर वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते पहुंच गई है, मिन्नत वाली गल है पुत्तर, ले आ उन्हूं। ठीक है आंटी जी तुसी अपना मन छोटा ना करो, मैं ले आना। पुत्तर तू आ सब छड़, आ मैं देख लांगी, तू जा लेट हो जाएगा। ठीक है आंटी जी मैं निकलता। आज तो लवली सब कुछ तेरे मुताबिक हो रहा है। मॉम आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम, मीनो लग रहा मैं क्लाउड 9 पे हां, क्योंकि मैं बीजी नु मिलन जा रही हां। यू नो व्हाट, मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट आई और तो मैं कैब बुक की थी जलंधर ले, हुन ना मैं एक टी ब्रेक ली रुकी हां। मॉम देखो मैं टाबे दी चा पी रही हां। मॉम लुक मॉम टाबा। मॉम मीनो यकीन नहीं हो रहा मैं बीजी दे घर जा रही हां। सैम बेटा बीजी दे घर बड़े ध्यान नाल जाई बच्चे, ते अपना भी ख्याल रखी। मॉम मतलब तो हाड़े का है ना? सर तू पहली बार इतनी दूर इकली गई है, काश काश तैनु कोई उत्थे लैन आ जांदा बच्चे, लाइक जिवें हिंदी फिल्मां च लैन आंदा हीरो हीरोइन नु। हां दोनों एक दूजे नु पहला कदी नहीं मिले एंड सडनली एक दूजे नु देखदे ने, हवावां चलदियां ने, दिलां च घंटियां वजदियां ने और फिर प्यार हो जांदा है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा मॉम, सही बोलिया मैं? तू बीजी नु मिलन जा रही है के हीरो नु? मॉम मिलन ता मैं बीजी नु जा रही हां, पर अगर मैनु हीरो मिल गया मेरा फिर ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਸਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਸੈਮ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ? ਨਾਟ ਯਟ ਡੈਡ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਬਟ ਸੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਬੀਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ तो फिर तू की करेंगी? व्हाई डैड ओ मेनू वेलकम करन या ना करन हुन मैं एथू वापस नहीं जा सकती। डैड मैं मॉम ते बीजी नु जरूर मिलाना, मैं मॉम दी विश जरूर पूरी करनी है। डैड डैड नाउ आई गॉट टू गो, ओके आई लव यू गाइस एंड मिस मी, लव यू टू सैम।
सैम बेटा अब तक ख्याल रखे बच्चे लव यू बोथ बाय गाइस जन्नत तेरे पैरों विच आसानू आ